नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी प्रूडेंस 37 पर। तो दोस्तों, आज ये वीडियो यूपी लेखपाल जॉब प्रोफाइल 2022 के ऊपर है दोस्तों, जिसकी परीक्षा आपकी 31 जुलाई को हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, आखिर काम क्या होता है इन लोगों का, कितना ये रकम कमाते हैं, क्या इनको काम करना है, वेतन कितना है, छुट्टियाँ कितनी हैं, पदोन्नति कब और कौन सी मिलती है। तो ए टू जेड जानकारी के लिए बने रहें सरकारी प्रूडेंस 37 को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, ऐसा क्या है इस जॉब के लिए जो लोग तरसते हैं और जो इस जॉब के लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो साक्षात भगवान विष्णु यानी नारायण का वरदान है इस जॉब के लिए, और जो भी इसमें अप्लाई करता है, और लेखपाल एक तरफ से लेखपाल के पास बहुत बड़ी पावर होती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि यूपी लेखपाल जो जॉब प्रोफाइल 2022 है, इसमें जो लेखपाल का है वो काम क्या होता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको एक एक करके बता देते हैं। ठीक है, तो साथियों आपके सामने ये खुल चुका है यूपी लेखपाल का वर्क। ठीक है साथियों, तो जानेंगे, आपने एक चीज़ देखी होगी कभी, जो रोड होते हैं उबड़ खाबड़। ठीक है, तो जो रोड उबड़ खाबड़ बंजर होता है, ज़मीन है, उसकी क्या करता है, ये देखरेख करता है। ठीक है, लेखपाल क्या करता है, उसकी देखभाल करता है। ठीक, और दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, चारागाह ग्राम समाज की ज़मीन की देखरेख अवैध करना। जैसे कोई आपकी ज़मीन को जब्त तो नहीं कर रहा है, या कोई घुसपैठिया, ठीक है, कोई इंट्रूडर आपकी ज़मीन को हड़प तो नहीं रहा है, तो ये काम भी लेखपाल का होता है। ठीक है, जो ज़मीनी होती है ग्रामीण लोगों की। अब बात करते हैं अगली, नेक्स्ट है आपदा संबंधी कार्य, जैसे अन्य आपदा आना, बाढ़, सूखापन, जल की अपर्याप्त मात्रा। ठीक है प्रिय दर्शकों, और अगला है खसरा, खतौनी आय जाति निवास EWS को बनवाना। जैसे आपके दस्तावेज होते हैं, ठीक है, तो खतौनी होती है जो आपकी लगती है जाति के प्रमाण पत्र को बनाने के लिए, जाति निवास और EWS का सर्टिफिकेट, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होते हैं उन लोगों का सर्टिफिकेट होता है, तो ये भी सब लेखपाल का काम होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लोक कल्याण की योजनाओं को लागू करवाना, जैसे शादी अनुदान, विधवा पेंशन। ठीक है, तो लोक कल्याण की जो भावना होती है वो भी लेखपाल के पास होती है। जैसे किसी का मैरिज करते हैं कोर्ट वाला, तो उसमें भी लेखपाल का साइन, ठीक है, की ज़रूरत होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, लेखपाल का एक काम और भी होता है। अगर लेखपाल ने जैसे किसी के कस्बे में, किसी के टाउन में, माना उसने ये लिख दिया कि ये ज़मीन इसकी इतनी है, इतने भागों में है, ठीक है, जैसे ये हमारा भारत का मानचित्र बना दिया, ठीक। अब आपका अगर किसी की ज़मीन इतनी है, भले वो थोड़ी ज़्यादा हो, पर लेखपाल ने बोल दिया कि इतनी है, तो क्या होगा, वो उतनी ही मानी जाएगी। ठीक है, तो ये भी लेखपाल की पावर रहती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा है वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को कर ले सब्सक्राइब। ठीक है, अब लेखपाल का काम हो गया दोस्तों, अब इनके वेतन के बारे में जानेंगे कि वेतन कितना होता है, कैसा मिलता है। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, हम इसके बेसिक पे की बात करते हैं, तो ये दोस्तों देख सकते हैं आप सुविधा, ग्रामीण, नगर पालिका क्षेत्र और शहर। तो मैं बेसिक पे की मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ लिखी हुई है। जो बेसिक पे है दोस्तों, वो यहाँ पर आपको जो ग्रामीण है, ये तीन भागों में विभाजित है, ग्रामीण और नगर पालिका क्षेत्र, कस्बा और शहर। तो जो ग्रामीण का जो बेसिक ग्रेड पे होता है 21,700, ठीक है, और जो आपका डी होता है, डियरनेस अलाउंसेस होता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6,727। ठीक है, और ये देखिए आप यहाँ पे HRA जो मिलता है वो 800 होता है ग्रामीण वालों का। अब ये साइकिल जो भत्ता है, ये साइकिल भत्ता दोस्तों देखिए, साइकिल का तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट के पुराने रूल्स है, जो यूपी लेखपाल, ठीक है, जो UP SSC को, मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर कोई अधिकारी या कोई ऑफिसर हमारी वीडियोस को देखेगा या देख रहा होगा, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आने वाले टाइम के अंदर, मेरी सलाह माने आप लोग, तो इसको हटाकर आप पेट्रोल भत्ता या डीजल भत्ता या वाहन भत्ता, इसका नाम आपको देना चाहिए। ठीक है, ये सरकार से मेरी अनुरोध है, यूपी गवर्नमेंट से मेरी अनुरोध है कि जो भी वीडियो को देख रहा है, तो साइकिल भत्ते को हटाना चाहिए, क्योंकि साइकिल का कोई काम नहीं है,
साइकिल कोई पोस्टमैन तो नहीं है कि पोस्टमैन का वो है इसमें भत्ता मिल रहा है उसे, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मेरी ओर से कट है। नगर प्रतिकार भत्ता, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब इसको समझना, जो ग्रामीण वालों का जो बेसिक ग्रेड पे है, अब ये यहाँ समझने वाली बात ये है। अब ये NPS होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। जो NPS होता है ना दोस्तों, वो आपका जो बेसिक पे और ग्रेड पे, ये जो बेसिक पे और DA है ना, इसका जो सम होता है, सम ऑफ बेसिक पे प्लस ग्रेड पे, जो DA होता है, बेसिक पे और DA का जो प्लस करके रकम निकलता है दोस्तों, वो आपका NPS का 10% होता है। कितना? NPS का 10% होता है। अब सपोज दैट इसको जोड़ दिया और इसका 10% निकाला, ठीक है, तो आपका NPS होता है। तो ये 2842 रुपया, ये इसका 10% है, इसका बेसिक पे का और डियरनेस अलाउंसेस का। आई बात समझ में? अच्छे से चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, तब मत बोलना कि सर समझ नहीं आया, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं, वैसे ही आपका जो नगर पालिका क्षेत्र है, इसका भी सेम ऐसा ही है, ठीक है, इसका भी सेम ऐसा ही होगा, ठीक है, इसका, और शहर वाले का भी सेम यही है, ठीक है। तो ये है कुल वेतन, ठीक है, कुल वेतन, ये आपका ग्रेड पे जो 7 बोलते हैं, 6 है ग्रेड पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो शहर वाला होता है उसका सैलरी ज़्यादा होता है, ग्रामीण वाले का देख सकते हैं आप 26,485 रुपया, ठीक है। लेखपाल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, मैंने एक चीज़ बोली ना, ग्रामीण, नगर पालिका, क्षेत्र, कस्बा, जैसे होता है किसी का, कोई शहरी होता है, ठीक है, अर्बन और रूरल, समझ गए होंगे आप सभी बच्चे, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो इसके प्रमोशन रहते हैं, ठीक है, इसके प्रमोशन क्या होते हैं, कैसे होता है, ठीक है, तो हम आपको सब चीज़ क्लियर कर देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ करके समझाऊंगा। पहले इसका जो प्रमोशन है, ये मान लीजिए आप, जैसे प्रमोशन है पदोन्नति, इसमें पदोन्नति क्या है, कैसी होती है, ठीक है। पदोन्नति की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका लेखपाल होता है, ठीक है, लेखपाल, ठीक है बच्चों, लेखपाल के बाद कानूनगो, ठीक है, कानूनगो, ठीक है, कानगो जिसे कहते हैं, कानगो के बाद क्या बनता है आपका, नायब तहसीलदार, ठीक है बच्चों, नायब तहसीलदार, ठीक है, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, ठीक है, फिर बनता है क्या, तहसीलदार, ठीक है, फिर बनता है आपका SDM, स्टेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो DM से जो नीचे का पावर होता है वो SDM का होता है, ठीक है। तो बच्चों और आपको सभी को मैं बता देता हूँ, जो आपका लेखपाल से अगर आप कानून को बनते हैं तो 5 वर्ष आप मान के चलिए। देखिए सभी को मौका नहीं मिलता है कि आप सोच रहे कि हमने लेखपाल का फॉर्म भर दिया, हमने लेखपाल की जॉब मिली तो आप SDM बन जाओगे। नहीं बच्चों, यूपी के अंदर इतना आबादी है, आप सभी को पता है यूपी का जो सिस्टम है, ठीक है, अभी भी सरकारी जो क्षेत्र है, सरकारी जो सिस्टम है, उसमें अभी बहुत चेंज होना बाकी है मेरे हिसाब से, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब आप लेखपाल से कानून को बनोगे तो 5 वर्ष यहाँ मान लीजिए, अब 5 वर्ष नीचे के लिए मान लीजिए, नायब तहसीलदार के लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको क्या है, आप बूढ़े हो जाओगे, ठीक है। अब कोई बच्चा 27 साल में जॉब ले रहा है, 5-5 साल आप कैरी करते रहिए, ठीक है, तो रिटायरमेंट आ जाएगा 60 के बाद, तो कैसे बन जाएगा वो SDM, यही बात है। ऐसे कम बच्चे होते हैं जो 18 साल के वर्ष में बन जाते हैं, यानी कि 18 वर्ष में क्या है, लेखपाल बने, 18 वर्ष की उम्र में लेखपाल बन जाते हैं। लेखपाल के बाद फिर आपका ये जो छोटी छोटी धीरे धीरे जब पदोन्नति बढ़ती है, प्रमोशन होने लगते हैं, ठीक है, तो अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, तब मत भूलना, ठीक है बच्चों। अब आइए बात करते हैं इसके ऑल ओवर ये जॉब कैसी होती है, क्या सभी को लेखपाल बनना चाहिए या लेखपाल का फॉर्म भरना चाहिए। देखिए लेखपाल अगर आपका मन जो है, क्या बोलते हैं, समाज कल्याण, लोक कल्याण अगर आपके अंदर भी है, देखिए वैसे तो जो अब देखिए कलयुग है, कलयुग में लोग क्या कर रहे हैं, स्वार्थ सिद्धि करते हैं अपनी, ठीक है, बस ज़्यादा क्या है, मतलब कि पैसा बनाने के चक्कर में, यानी कि जब तक जेब गर्म नहीं होगी, कहने का अर्थ है जब तक दलाली नहीं मिलेगी, जब तक ब्राइब नहीं मिलेगा, रिश्वत, दलाली और जो रिश्वत और जो जेब गर्म, ये तीनों एक ही अर्थ इनके एक ही है, ठीक है। तो आप सारी चीज़ों को समझिए, बच्चे नहीं हो आप, बड़े हो, तो जो भी चीज़ की दिक्कत आती है हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8755899405, कभी भी आप मेरे से कॉल कर सकते हैं, 24 आवर्स मैं ओपन रहता हूँ, सर्विस आपको फुल दूंगा,
ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ऑल ओवर हमने बता दिया आपको कि लेखपाल क्या होता है, काम क्या होता है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइम बाद, ठीक है, आपका जो लेखपाल का जो भर्ती आएगा कैसे कैसे आता है, क्यों आता है, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी को दबा ले दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।